जो तो मेरा मानना है कि एक तो हम सबसे पहला प्रॉब्लम हमारी जो जम्मू में ये है कि जम्मू के जो हमारे लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है एज कम्पेयर टू कश्मीर कश्मीर का जो बंदा है सिटीजन है वो छोटी सी बीमारी होती है तो डॉक्टर को पकड़ लेता है और डॉक्टर का कहना मानता है जम्मू में जो है हम बड़े कैजुअली लेते हैं जब तक प्रॉब्लम सिर पे ना आ जाए तब तक शायद डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंचते और यही हाल इस पेंडेमिक में जो हमारा है कि हमारी हम घर पे सोचते हैं पहले वो अवाइड करते हैं टेस्ट नहीं करवाते सोचते हैं खांसी है या नहीं क्या किसी को बताना या छोड़ो पहले तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही नहीं करते तो एक तो है लेकिन जब ये यह हमारे यहाँ पर जम्मू में प्रॉब्लम जम्मू की बात करें तो लेट स्टेज पे जाते हैं जबकि लेवल थ्री हो गया होता है और वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो उस समय उनके लंग्स अफेक्टेड हो चुके होते हैं ना तो वो डॉक्टर के कहने कोई कभी सीटी स्कैन कराने की कोशिश करते हैं और ये प्राइवेट जो है, हालांकि गवर्नमेंट की फैसिलिटी है कि आरटीपीसीआर जो है वो मुफ्त मिलता है लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है प्राइवेट सेक्टर में फ्लीस करते हैं मतलब वहाँ दिल्ली और हरियाणा में सात आठ सौ रुपया लेते हैं पंजाब में छः सौ रुपया लेते हैं यहाँ सोलह सौ रुपया लेते हैं मतलब एक इकोनॉमिक फैक्टर भी आता है अवॉइड करते हैं लोग जब वहाँ पहुँचते हैं अस्पताल में तो वहाँ पर दूसरी वहाँ की प्रॉब्लम है ऑक्सीजन कमी है बेड नहीं मिलेगा बेड भी अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पैरामेडिक स्टाफ नहीं है तो डॉक्टर की जो कमिटमेंट है माफ़ करना मैं जम्मू का रहने वाला हूँ मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती कि जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है हमारे डॉक्टरों का वो उतना नहीं है जितना कश्मीर का मैं डॉक्टर नहीं हूँ एक्सपर्ट भी नहीं हूँ मेरे हिसाब से तीन डिसिप्लिन है जो इम्पोर्टेंट है चेस्ट का डॉक्टर जनरल जनरल फिजिशियन और एनाथिस आपके पास वेंटिलेटर आ जाते हैं आप उसको यूज नहीं कर पाते ठीक तरह से ये जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता है किस तरह यूज़ करना कितनी देर यूज करना है ठीक है यहाँ के जो डॉक्टर हैं नॉट कास्टिंग एक्सपर्शन ऑन एनी वहन क्वेश्चन है कि जब आप उनको तादाद बढ़ाओगे उनको भी रिलीफ मिलेगा जो प्रेजेंट लॉट है रिलीफ मिलेगा डिलीवरी बेटर होगी अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने कहा कि जो डॉक्टरों का कसूर नहीं है हमारा कसूर है कि हम पहुंचते लेट हैं भारत इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है कोरोना की दूसरी लहर सीधे युवाओं पर अटैक अधिक कर रही है और बहुत सारे लोगों की हर रोज़ जाने जा रही हैं ऐसे में जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है चाहे दिल्ली या मुंबई वाले हालात ना हो मगर हालात यहाँ भी बहुत नाजुक हैं सबसे बड़ी बात यह है देखना कि आखिर ये मौतें जो हो रही हैं इसके कारण क्या हैं और ये थमेंगी कैसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस पर अपनी एक्सपर्ट राय रखने के लिए फॉर्मर आईएएस ऑफिसर और फॉर्मर सेक्रेटरी हेल्थ जे एंड के के बी जंडयाल साहब हैं उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कारण है क्यों जब जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यहाँ डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी उस समय भी इस बुरे दौर में बिल्कुल औंधे मुँह गिर रहा है आखिर ब्यूरोक्रेटिक रूल में भी ये हालात हैं क्यों ये हालात हैं जनरल साहब आप खुद भी एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं सीनियर और हेल्थ सेक्रेटरी रिटायर हुए थे कैसे देखते हैं इस हालातों को और कहाँ पर कमियाँ रह रही हैं क्या टिप्पणी है आपकी देखिए दीपक जी मैं नहीं समझता कि एज ए हेल्थ सेक्रेटरी मेरी मालूम ज़्यादा होगी जो इस समय के हेल्थ सेक्ट्री हैं तो मैं कोई इतनी बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देना चाहता क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और ये लॉजिस्टिक स्पोर्ट की बात होती है तो वो दौर और था आज का दौर पेंडेमिक दौर और है जो आपने बात की कि जम्मू में ख़ास तौर पर जम्मू की ही बात करें तो जो फैटलिटी है हमारी मोटलिटी रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर कश्मीर देखा जाए कि पॉजिटिव केसेस कम हैं लेकिन जो डेथ्स हो रही हैं वो ज़्यादा हैं और जम्मू मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा हैं मैं एज ए कॉन्सनशियस सिटीजन जम्मू का और रहते हुए इंटरेक्शन होता रहता है सबके साथ और अपने भी सोर्सेज जो तो मेरा मानना है कि एक तो हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी जो जम्मू में ये है कि जम्मू के जो हमारे लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है एज कंपेयर टू कश्मीर कश्मीर का जो बंदा है सिटीजन है वो छोटी सी बीमारी होती है तो डॉक्टर को पकड़ लेता है और डॉक्टर का कहना मानता है जम्मू में जो है हम बड़े कैजुअली लेते हैं जब तक प्रॉब्लम सिर पे ना आ जाए तब तक शायद डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंचते और यही हाल इस पेंडेमिक में जो हमारा है कि हमारी हम घर पे सोचते हैं पहले वो अवाइड करते हैं टेस्ट नहीं करवाते सोचते हैं खांसी है या नहीं क्या किसी को बताना या छोड़ो पहले तो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही नहीं करते लोग अपने आप को मास्क उतार के सैर करना बड़ी बहादुरी समझते हैं और वो लोग हमारे साथ मैं कहता हूँ जो रिटायर्ड ऑफिसर बहुत सीनियर लेवल के हैं वो भी समझते हैं क्या यार वैसे ही है तो एक तो है लेकिन जब ये हमारे यहाँ पर जम्मू में प्रॉब्लम जम्मू की बात करें तो लेट स्टेज पे जाते हैं जबकि लेवल थ्री हो गया होता है उनको और वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो उस समय उनके लंग्स अफेक्टेड हो चुके होते हैं ना तो वो डॉक्टर के कहने पर कभी सी स्कैन कराने की कोशिश करते हैं और ये प्राइवेट जो हालांकि गवर्नमेंट की फैसिलिटी है कि आरटीपीसीआर जो है वो मुफ्त मिलता है लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है प्राइवेट सेक्टर में फ्लीस करते हैं मतलब वहाँ दिल्ली और हरियाणा में सात आठ सौ रुपया लेते हैं पंजाब में छः सौ रुपया लेते हैं यहाँ सोलह सौ रुपया लेते हैं तो मतलब एक इकोनॉमिक फैक्टर भी आता है अवॉइड करते हैं लोग जब वहाँ पहुँचते हैं अस्पताल में तो वहाँ पर दूसरी वहाँ की प्रॉब्लम ऑक्सीजन कमी है बेड नहीं मिलेगा बेड भी अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पैरामेडिक स्टाफ नहीं है तो मैं डॉक्टर की जो कमिटमेंट है माफ करना है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती कि जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है हमारे डॉक्टरों का वो उतना नहीं है जितना कश्मीर का कमियां तो सर फिर कही कहीं ना कहीं हैं जिस कारण मौतें हो रही हैं लोगों की कमी तो आपने बताई सरकार और प्रशासन की कमियाँ भी तो हैं बहुत ज़्यादा हैं वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एक साल मिला हमें जो इस समय तक प्रेपरेशन होनी चाहिए थी जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई जम्मू में क्यों कम थे प्लांट ये सोचने वाली बात है किसकी ये नलायकी है हु ओवर इट, अब अब वो भी देख लेंगे, हो भी जाता है मतलब ये, ये, ये मैं तो ये समझता हूँ कि नुकताचीनी करने से कुछ नहीं होने वाला द बेस्ट कोर्स इज के हाउ डू वी हैंडल इट और ये हैंडल कर रहे हैं सरकार कर रही है यहाँ के ऑफिसर्स मतलब का किसी ना किसी को इतनी मौतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ऐसा है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मर गया वो वापस तो आएगा नहीं मैंने आप आर्टिकल में भी लास्ट टाइम लिखा था कि ये जो, जो इतना कुछ हो गया आज आप लगा देंगे छः महीने तक ये हो जाएगा लेकिन ये छः महीने तक जो लोग लाख डेढ़ लाख लोग मर गया वो तो वापस नहीं आएगा ना और आज जो मरेगा वो भी वापस नहीं आएगा तो इसमें आज की ही बात करनी चाहिए हमें जो हो गया भगवान उनकी आत्मा को शांति दे लेकिन मैं कि एज ए पॉजिटिव ये सोचता हूँ कि सरकार को पहली बात तो ये है कि उनको मोटिवेट करना है डॉक्टरों को और उनको रिक्रूट करना चाहिए मतलब कोई रूल जब्ता छोड़ कर भी जो डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर कौन से चाहिए अभी तक इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं मेरे हिसाब से कि ये पेंडेमिक जो है ये चेस्ट को पकती है तो आपको सी जो चेस्ट डिजीज का एक्सपर्ट है उसको रखना चाहिए अपने पास उनके जितने भी लोग हों अगर कोई भी पीजी या कोई करके है पैरिफ्री में भी क्यों ना हो पी में कहीं अपॉइंट हो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सी में हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो वहाँ तो ठीक है बाकी जगह से आपको ला के यहाँ पर पूल कर देना चाहिए ताकि वो अटेंड कर सकें फिर आपको चाहिए एनाथिसट क्योंकि आप वेंटिलेटर यू, आप यूज़ नहीं कर पाते हो हर आदमी इस समय का जो लोग है वो कहेंगे मैं हम बड़े एक्सपर्ट हैं मैं नहीं मानता ये चीज़ें अगर इतने एक्सपर्ट होते तो सब चीज़ें नहीं हो जाती तो वहाँ से अगर आपने बाहर से लाने हैं तो जो रिटायर्ड हैं उनको मोटिवेट करिए आइए हेल्प करिए छोड़ दीजिए पैसा भी नहीं अब वो शायद हो सकता है किसी अगर आप इज्जत से बात करें उनको जम्मू का दिलासा दें किसी चीज़ की उनको कहें कि ये आपका ये मिशन है तो लोगों को बचाइए तो दे विल ऑफर देयर सर्विस ऐसी बात नहीं है मैं यहाँ मेरा मैं कई लोगों को जानता भी हूँ यहाँ पर वो वो इसमें ऐसी चीज़ आने को तैयार है प्रोवाइडेड आपकी अप्रोच तो ठीक हो जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको पहुंचे रीच आउट करे एडवर्टीजमेंट देने से कुछ नहीं होने वाला कितने लोग आएंगे मेरा नहीं क्या कोई आएगा इस फिर आपको तीसरी चीज किस चीज चाहिए आपको आपको चाहिए फिजिशियन ये तीन ब्रांचेज जो आपको पेंडेमिक में चाहिए ये आपको आपको फोकस करके लानी चाहिए इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जो सरकार करती है टास्क फोर्स आप देखते हैं सारे ब्यूरोक्रेट्स मैं खुद भी ब्यूरोक्रेट था ऐसी बात नहीं है, ठीक उनका अपना रोल है उनकी अपनी सोच है लेकिन आज ये मामला हेल्थ हेल्थ का है, फैसिलिटी कर कर रहे, आप उनको हैंडल कर रहे, नहीं तो चाहिए जो डॉक्टर हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी टास्क फोर्स बनाई जितने प्राइवेट हॉस्पिटल के नो, नोटेड डॉक्टर थे उनको लाया आपने स्टेट के डायरेक्टर जनरल उनको तो हमने उन्होंने लाया तो हम क्यों नहीं लाएंगे आपके पास चेस्ट डिसीज का बेहतरीन डॉक्टर है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जहाँ उनके मुकाबले का मेरा नहीं ख्याल है कि जम्मू कश्मीर में कोई हो ठीक है तो उनको उनकी राय लीजिए उनको ट्रांसफोर्स में रखिए ऐसे ही लोगों को और ढूंढिए जिनके एनाथिस हों दूसरे हो मैनेजमेंट की बात देखें इनको जो है ओपन अप कर दीजिए और जो लोगों का उनको उनको इन्वॉल्व करिए हो सकता है कि तो उनकी राय से भी कुछ थोड़ा सा बेहतरी हो यहाँ के डॉक्टर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेचारे ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर बट देर एक एक इम्प्रेशन बनता है कि यहाँ पर स्टाफ नहीं है रजिस्ट्रार नहीं पहुँच पाते इवन डॉक्टर यहाँ पर कई दफ़ा सोशल मीडिया में देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे हमारे रिलेशन है तो वहाँ कोई नहीं वो जो अटेंडेंट है वो खुद ही वहाँ बन गया उनका ये तो कहीं भी नहीं है आपको कोविड में कि आपका ना कि उनके पास पीपीई है वैसे जाके बैठे हुए हैं उनको लगेगा उनको पता है मुझे लगना फिर उनके फैलता जाएगा तो ये चीज़ों पे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास चैलेंज बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट को नुकताचीनी करने का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट को आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए सर एक महीने के करीब हो चुका है अप्रैल लास्ट वीक में ऑलमोस्ट आज 20 मई है 20 अप्रैल के बाद से ये सारा कुछ सिलसिला शुरू हो गया था एक महीने में सरकार अगर नहीं सोच पाई तो आपको लगता है कि सरकार का फेलियर है या कहीं ना कहीं ढीली ढीला ढाला रवैया है और बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा अभी भी देखिए जो जो सरकार चलती है वो अपने आप में काफ़ी एफर्ट करती है ऐसा नहीं है मैंने मानता कि वो नहीं एफर्ट नहीं कर सकती उनके एफर्ट चलते हैं लेकिन उनकी एफर्ट मैं वही कहा ना कि उनके डायरेक्शन जो एफर्ट की है ना वो इस इस पेंडेमिक के हिसाब से ठीक नहीं है उनको ओपन अप करना चाहिए आपको जितने भी चीज़ें जो चाहिए आपको वे इज द प्रॉब्लम कि आप गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपील क्यों नहीं करते लोगों को जिनको चाहिए आप अपील करिए मुझे फलाने डॉक्टर हैं मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए डिजनल कमिश्नर जो है वो खुद डॉक्टर हैं बट डॉक्टर हैं बट जो उनको डॉक्टरों को मोटिवेट करना है उनको रिस्पेक्ट दे के काम करवाना चाहिए देखिए आप ऑफिस हैं आप ब्यूरोक्रेट हैं यू आर रनिंग द शो टीम को हम तो रात रात भर दौरे कर रहे हैं डॉक्टरों को मिल रहे हैं मगर कही कहीं ना कहीं लोगों ने, का, ने, का कहना है कि एडवाइजर जो हैं गवर्नर के वो वो, वो वो नजर वो नहीं, नहीं आ रहे आपको लोग दिखाने फोटो फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है ये आप जाए और फोटो खिंचा के अखबार में छाप दें उससे कुछ नहीं होने वाला आप प्रैक्टिकल काम देखें आप उनकी उनकी देखें कॉजे जैसे मैं कहता हूँ काजेज क्या हैं अगर वो काजेज ढूंढते हैं लेट जैसे कहते हैं आमतौर पर कहेंगे लेट लेट एडमिशन होती है कितने लोगों ने आप छोड़िए लाखों रुपए की एडवर्टीजमेंट आप करोड़ों रुपए की दुनिया हिंदुस्तान पूरे में दे रहे हैं कौन पढ़ता है वही पुरानी बातें हैं मास्क लगाइए ये करिए वो नई बात तो है कुछ नहीं लेकिन आप उनको रीच आउट करिए पर्सनल लेवल पर लाइए आप कहिए कि आपको ये करना है आपको उनकी उनसे उनकी उनकी, उनकी उनकी जो प्रॉब्लम अगर है कोई उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है उनके एक चीज और है जैसे सारा लोड जो है वो जीएमसी पे है क्या आपको लगता है अगर डिस्ट्रिक्ट्स में जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी लोड बांट दिया जाए वहां भी फैसिलिटी दी जाए तो थोड़ा सा जो जम्मू पे प्रेशर है बाकी डिस्ट्रिक्ट का वो कम होगा और कहीं ना कहीं मौतों का सिलसिला रुकेगा देखिए मैंने पहले कहा इस बीमारी में मेरे हिसाब से मैं डॉक्टर नहीं हूँ एक्सपर्ट भी नहीं हूँ मेरे हिसाब से तीन डिसिप्लिन हैं जो इंपॉर्टेंट है चेस्ट का डॉक्टर जनरल जनरल फिजिशियन और एनाथिस आपके पास वेंटिलेटर आ जाते हैं आप उसको यूज नहीं कर पाते ठीक तरह से ये जो तो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता है किस तरह यूज करना कितनी देर यूज करना है ठीक है यहाँ के जो डॉक्टर हैं नॉट कास्टिंग एक्सपर्शन और एनी वन क्वेश्चन है कि जब आप उनको तादाद बढ़ाओगे उनको भी रिलीफ मिलेगा जो प्रेजेंट लॉट है रिलीफ मिलेगा डिलीवरी बेटर होगी अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने कहा कि जो डॉक्टरों का कसूर नहीं है हमारा कसूर है कि हम पहुँचते लेट हैं हम पहुंचते हैं जब हमारा हमारी चेस्ट जो है वो काफ़ी तौर पे ख़राब हो चुकी है उसे रिट्रीव करना मुश्किल होता है इसलिए तो डॉक्टर क्या करेगा बेचारा अगर आप पहली स्टेज पर ही आ जाते हैं तो आपको बचने की पूरी उम्मीद है तो ये चीज़ें को लिए आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करें लोगों को कैसे बताएं कि किस स्टेज पे आपको आना है जब भी किसी हिसाब से बात करो वो कहते हैं जनाब आते है लेट है बट अब ठीक है अब जो चले गए बचा रहे तो आप कोई ऐसा चैनल बनाइए जिससे लोगों को मोटिवेट कर सकें आपके पास होम ट्रीटमेंट के लिए लोग हैं वाई कॉन्ट बी ए मोबाइल वैन जो आपके लिस्ट हो आप उनसे खुद भी चेक करते रहें कि आपका कितना सेचुरेशन है आप फ़ौरन जाइए कोई ऐसा मैकेनिज्म रखिए जिसमें शायद डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है कोई ऑफिसर भी चल सकते हैं नंबर भी ले सकते हैं आप आप तुमको साहब आप ज, न, बहुत लंबे समय पर आप ब्यूरोक्रेट रहे बहुत सरकारों के साथ काम किया आपको लगता है पॉपुलर गवर्नमेंट होने से ज़्यादा मदद होती है और ये जो इस समय पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है एलजी गवर्नमेंट है इससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनको कॉजेज का पता नहीं है उस पर काम नहीं हो रहा नहीं ऐसा नहीं है मैंने नहीं समझता कि अधिकारियों को पता नहीं है कॉजिस का वो ऐसा नहीं है लेकिन उनकी अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये ठीक है इन एवरी डिस्पेंसेशन डिस्पेंसेशन ही मत बेटर मतलब मैं तो इस चीज़ के कायल हूँ कि ज्यादा देर जो ब्यूरोटिक एडमिनिस्ट्रेशन है लोग उससे तंग पड़ जाते हैं और मुझे याद है जब ये मिलिटेंसी जब थी नाइन्टी टू नाइन्टी एक ऐसा टाइम आ गया था जब ब्यूरोक्रेट हम जैसे लोग कहते थे इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही आनी चाहिए हम थक गए वी आर अनएबल टू डिलीवर वट एवर डेफिशेंसी जब जो भी हैं वो ख़राब हैं उनकी लॉयल्टी क्या है उनके पास क्या नहीं होता है वो उनकी बातें छोड़ दीजिए पर एक चीज़ उनके पास होती है उनका कॉन्टैक्ट होता है ग्राउंड पे उनका जो ग्राउंड पे कॉन्टैक्ट है वो उनके लिए बड़े कामयाब होते हैं ब्यूरोक्रेट्स का ग्राउंड पे कॉन्टैक्ट नहीं होता है और फिर कई ब्यूरोक्रेट भी जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं और कई एरोगेंट होते हैं तो वो चीज़ों का ये कोई सब्सिट्यूट नहीं है मतलब ब्यूरोक्रेटिक ये नॉन पॉलिटिकल की बात मैं कहता हूँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो हैं वो चाहे कितनी ही ज़्यादा खराब क्यों ना हो करप्ट भी क्यों ना हो फॉर दैट मैटर लेकिन वो ज़्यादा देर ये जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उससे मच बेटर मगर सर इस समय जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो केवल दोनों सांसद हैं हमारे जम्मू में और दोनों से ही लोगों का ये गुस्सा है कि दोनों ही करीबन एक महीने से लोगों के बीच बहुत कम हैं जम्मू के सांसद अभी कुछ दिन से आना शुरू हुए हैं और जो हमारे मंत्री हैं कठुआ उधमपुर से वह लोगों में नहीं आ रहे केवल वर्चुअली बात हो रही है तो लोगों को आपको लगता है ये भी एक जैन है कि उनको आके लोगों में बैठना चाहिए लोगों की हालत जानने चाहिए देखिए ये तो पोलिटिकल बात है मैं इस इसमें क्या टिप्पणी करूँगा आजकल वैसे भी हर चीज़ वर्चुअल है मतलब प्रधानमंत्री भी और सब जगह ब्यूरोट्सी भी जो है वो हर काम जो है वो वर्चुअल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो जो भी उनका सिस्टम है वो करते होंगे बट आई एम नॉट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स उनको आना चाहिए उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए और जो भी हो सकता है टेलीफोन करें रता कायम करें बट कॉन्फिडेंस एक, एक आखिरी सवाल ये है कि जब आप इतनी देर तक ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेट रहे हैं सरकारों के साथ काम किया है हालांकि ये पेंडेमिक तो बहुत बड़ा पेंडेमिक जो है जो पूरी दुनिया में आया और ऐसे पेंडेमिक में काम करना मुश्किल होता है मगर आपके समय तक भी क्या जम्मू कश्मीर में हेल्थ फैसिलिटीज़ या जो सरकारें रही हैं उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ को कोई बढ़ाया डेवलप किया था अप्रोप्रिएट थी आपको लगता है नहीं देखिए मैं खुद भी में रहा तो अगर आप जनरल कहेंगे तो मेरे भी मेरे को भी उतना ही कसूरवार ठहराया जा सकता है लेकिन बात ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पेंडेमिक ऑल ऑफ सडन आया और उस वक़्त पूरे हिंदुस्तान में तैयारी नहीं थी जो आपने लॉकडाउन किया प्राइम मिनिस्टर ने वो पीरियड आपने यूज़ किया अपने स्ट्रेंथन उसको एक्सपेंड करने का अब जैसे डी ने जो अभी दो हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं शायद अगले हफ्ते वो बन जाएंगे इधर भी बनेगा श्रीनगर भी बनेगा जम्मू भी बनेगा तो ऐसा बात नहीं है कि इस पीरियड में हुआ बाकी रहा डेफिशेंसीज देखिए डेफिशिएंसी अगर इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म के हिसाब से भी जाएं कि पेशेंट और डॉक्टर की रेशो हमारी बहुत ज़्यादा कम है पेशेंट और पैरामेडिक्स का जो स्टाफ है नर्सिंग का है वो हमारी बहुत कम है ये जो जो नॉर्म्स हैं हमारे नेशनल से हम बहुत पीछे हैं उसके कई रीज़न हो सकते हैं क्योंकि अब डॉक्टर जो हैं वो सारे डॉक्टर आजकल सारे गवर्नमेंट फैसिलिटी में नहीं जाते हैं पीपल आर गोइंग फॉर सुपर स्पेशलिटीज़ और वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं और ग्रीन पास्टर दिल्ली में और मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े हॉस्पिटल कॉरपोरेट हॉस्पिटल में उनको बहुत पैसा मिलता है वो यहाँ पर ये अंडर सेक्रेटरी वाले ग्रेड में जा के नहीं बैठना चाहते वो जो अंडर सेक्रेटरी को मिलता है वही मिलता है उसको मेडिकल अफसर को मिलता है तो ये लाजमी तौर पे ये इश्यूज़ हैं और हमारे में और पे कमी थी कमियाँ रहेंगी शायद थोड़ी देर के लिए अब चूँकि वेकअप कॉल है इसमें ब्लड ऑफ प्रेशर है ये कमियाँ दूर हो जाएंगी थोड़ी बहुत लेकिन एक चीज़ है कि जो हमारे प्लानर्स हैं हेल्थ में उनको ये देखना चाहिए कि आज थर्ड फेज भी आने थर्ड वेव भी आने वाली है हमें थर्ड वेव में कौन सी चीज़ जरूरत पड़नी है थर्ड वे फेज वेव में हमें शायद चेस्ट वालों की जरूरत नहीं होगी हमें प्रेडिशन की होगी बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनकी ज़रूरत होगी तो पहले ही एयर मार करके रखिए कहाँ कहाँ कौन है उनको इमीडिएटली पूल करके रखना है तो आप जब भगवान ना करे वो आए अगर आ जाती है तो आपको उन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए पहले ही फैसिलिटीज़ तो हमारी तो एक एक बेड में तीन तीन बच्चे यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रहते थे अब हमें मेटर्निटी हॉस्पिटल ये बनाया पिछले तीन साल चार साल से बना हुआ है जो तो अभी तक फॉर्मल इसका फंक्शनल नहीं हुआ वो कोविड हॉस्पिटल बन गया गांधीनगर का जिस तरह से सर अभी हालात चल रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अभी हम इससे जूझ पाएंगे बाहर निकल पाएंगे जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नहीं निकल पाएंगे हमें उम्मीद रखनी चाहिए हमें होपफुल रहना चाहिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमें इतना भी बुरा नहीं है अगर नेशनल सीन के हिसाब से देखा जाए हम इतने भी पीछे नहीं हैं लेकिन इशू आता है कि जब अपने मर जाते हैं जब आप सुनते हैं कि फलाना भी मर गया वो भी मेरा दोस्त था वो मेरा रिलेशन था वो हो गया तो गम लगता है उसमें अफसोस होता है फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कि कहाँ कमी है और जब यह छोटा सा शहर हो यहाँ पर हर आदमी को लगता है कि वहाँ गलती हो गई वहाँ गलती हो गई वहाँ नहीं आया यहाँ ना तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि गवर्नमेंट अगर आउट ऑफ बॉक्स सोचे भी और कुछ इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करे जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी हैं उनकी राय भी ले उनके ओपिनियन भी ले उनको ठीक तरह सिस्टम चलाए और लोगों का हालांकि सिविल सोसाइटी भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दे रही है जैसे खाने की बात है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात है वो दे रहे हैं वो तो तुम्हें एफर्ट चल रहा है लेकिन आई एम आई एम होपफुल थिंग्स विल इंप्रूव इन जम्मू एंड कश्मीर एज़ वेल तो ये थे फॉर्मर आईएएस ऑफिसर और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी केबी जंड्याल साहब जिनका कहना है कि कमियां चाहे हैं मगर आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे गवर्नमेंट को बहुत जरूरत है ओपन अप करने की कॉजेस पर जाने की और साथ ही साथ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचने की कि आखिर क्या क्या जरूरतें हैं जिनको लेकर इस पेंडेमिक से लड़ा जा सकता है और जो जम्मू कश्मीर में मौतों का सिलसिला है इस पर रोक लगाई जा सकती है दीपक खजूरिया जम्मू